हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मदर एंड सन्स कॉर्नर। मैं हूं ज्योति। आज मैं आपके सामने एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसका नाम है बैंगन का भरता। आई नो बैंगन बहुत लोगों को नहीं पसंद है, बट आप अगर ये रेसिपी बैंगन का भरता बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बैंगन भरता को आप रोटी के साथ खाइए और चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज बैंगन, एक कटा हुआ टमाटर, एक इंच अदरक और दो हरी मिर्च कटी हुई और एक प्याज कटा हुआ। मसालों में हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और हमें चाहिए सरसों का तेल। सबसे पहले हम बैंगन को थोड़ा सा कट कर लेंगे 2-3 साइड से, फिर इसके ऊपर हम सरसों का तेल लगाएंगे। अब इसको हम गैस पर जाली रख कर उसके ऊपर बैंगन को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में। इसकी जो बाहर की स्किन है वो पूरी तरह से बर्न हो जानी चाहिए। ये देखिए अच्छे से भून गया है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। अब इस बैंगन के हम गरम गरम ही छिलके उतार लेंगे, फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर रही हूँ। इसको हमें सरसों के तेल में बनाना है जिससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें जीरा डाला है। अब मैं हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अच्छे से सोटे करने के बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को हमें अच्छे से पका लेना है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें जाएगा मैश किया हुआ बैंगन। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। मैं इसे गार्निश करूंगी धनिया पत्ती से। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।